बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और कोरोना काल के बाद ये पहली परीक्षा बच्चे दे रहे हैं। इसी के चलते सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडो में भी 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की परीक्षा चल रही है। ये बात उप प्रधानाचार्य बंदना ने कही। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग सेशन में 10वीं की परीक्षा हो रही है, जिसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा से पहले गेट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जिसमें सर्दी जुकाम के गुण पाए गए हों। अगर ऐसा कोई केस होगा तो उसको दूसरे कमरे में बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा से पहले परीक्षा हॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और परीक्षा होने के बाद भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। करती हूँ, आज हमारी पाठशाला में जो बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम है वो हमारे स्टार्ट हुए हैं। मॉर्निंग सेशन में हमारा आज मैट्रिक का है, तो जैसे ही बच्चे आ रहे हैं हम उनके हैंड सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग बच्चों की हो रही है। जो भी बच्चे, आज तो ऐसा कोई केस नहीं था, बट इन केस अगर कोई बच्चा हमें लगता है कि उसको सर्दी खांसी है तो हम उसको सिटिंग अरेंजमेंट उसका अलग से करवाएंगे। बच्चों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम हॉल में भेज रहे हैं। उनके जाने के बाद भी हम सभी हॉल्स की प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है वो करवा रहे हैं। सो COVID-19 के सभी नियमों का हम पालन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। थैंक यू। जो मॉर्निंग सेशन है उसमें आज मैट्रिक का हिंदी का एग्ज़ाम है, उसमें हमारे पास टोटल 178 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। इवनिंग सेशन जो हमारा आज का है उसमें इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसमें टोटल हमारे 138 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं जी।